इस संसार के सारे बंधनों को त्याग कर अनंत जीवों के कल्याण के द्वार खोलने के लिए नीलकंठ वर्णी चल पड़े एक अद्वितीय कल्याण यात्रा पर। बाढ़ से उफनती हुई सरयू नदी की ओर नीलकंठ वर्णी की इस असाधारण यात्रा का प्रारंभ साधारण कैसे हो सकता था। प्रकृति की गोद में पैदल चल पड़े केवल 11 वर्षीय नीलकंठ वर्णी अकेले थे, फिर भी रोमांचित थे, क्योंकि संसार के सारे बंधन दूर अयोध्या में ही छूट चुके थे। गांव की धरती पर सूर्योदय तो हर रोज की तरह हुआ था, पर आज वहां के लोगों को कुछ अधिक प्रकाश मिला। एक बाल योगी की कांति का प्रकाश। ये लीजिए, शाम के लिए कुछ फल साथ ले जाइए। सुबह शाम की चिंता करनी होती तो संसार का त्याग ही क्यों करता। जो जीवन के अगले पल देंगे वे ही पल पल के लिए सब कुछ देंगे।